Madame Dr. Samina Mirim Saba, Dr. Group, Mina Badu Sharif Saab, Mukami, Basti Pahamidah Hazrat. आप तमाम हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने जहमत उठाकर यहाँ पर मीटिंग में तशरीफ लाए। बोलना इच्छा है कि ये बस्ती के जो तरक्याती काम है नतीब मिल चौधरी ने उसकी चाहती है हिदायत पर फौरी काम का आगाज हुआ यहाँ पर और इसमें अभी थोड़ा पानी का और रोड का काम बाकी है, रोड में होगा। लेकिन ऐसे वक्त पर आकर असद साहब को बोला गया था, ये काम शुरू होना नामुमकिन था, दो तीन महीने के बाद शुरू हो सकता था क्योंकि इलेक्शन को डिक्लेयर हो गए थे। लेकिन उसके बावजूद भी असद साहब की कोशिशों से काम का आगाज़ हुआ। इंशाल्लाह माँ बाप के काम इलेक्शन के बाद, इलेक्शन ख़त्म होने के बाद जो कोर्ट ख़त्म होगा उसके बाद शुरू होगा। जो भी बल्दी भर्ती आपरेशानी की ज़रूरियात है उसकी तकमील करना मंदिर सरकार की का फर्ज है और हम तमाम आबादियों में, क्योंकि हमारे नए जो आबादियाँ बनते हैं सस्ते ज़मीनों पर लोग जाके खरीद लेते, मकाना बना देते, सब हो जाता है। उसके बाद हमारा काम होता है कि वहाँ पे हम पहाड़ा काट के रोड डालना, ड्रेनेज का इंतजाम करना, नल का इंतज़ाम करना, लाइट का इंतज़ाम करना, ये हमारी जिम्मेदारी है। इंशाल्लाह करने के लिए पीछे नहीं रहते। कई बस्तियों में ये काम हुआ है, आपके पास भी होगा। आप लोगों से ये गुजारिश है कि 7 तारीख को पतंग के निशान पर बटन दबा के आप मंजिल को अपने वक्त का इस्तेमाल कीजिए। लोगों का जहन रहता है कि मैं एक निशान से क्या होता है, मंजिल को कामयाब हो जाता। ये कामयाबी के लिए मंजिल का ठहरना नहीं है बल्कि पूरे मुल्क में अपनी कुव्वत का मुजाहरा करना है। वोट तो थोड़े बहुत मिलने से कामयाबी हो जाती है, लेकिन जितने ज़्यादा वोट मिलेंगे जमात की ताकत का दुश्मनों पर असर पड़ता कि इतनी ताकत है इनकी, तो हमको ये सोचना नहीं चाहिए कि हम नहीं डालने से क्या कामयाब हो जाते। घर के हर फर्द की जिम्मेदारी के वोट का इस्तेमाल करें और वोट ऐसी जमहूरी ताकत है, हमारे पास ऐसा हथियार है। हम अपने जमात के मुंतखब उम्मीदवार को, अपनी पसंद के उम्मीदवार को मुंतखब कर सकते हैं, क्योंकि हमारे जो मसाइल हल होंगे वह इस मैदान में या यहाँ के करीब के कोई प्लेग्राउंड में नहीं होते। मुसलमानों के तालीमी मसाइल, मजहबी मसाइल, सियासी मसाइल जितने भी है वह आज पार्लियामेंट और असम्बली में हल होते, वहाँ पर हमारे नुमाइंदों का होना बेहद ज़रूरी है। इसलिए इलेक्शन में मजलिस हिस्सा लेती है और 60 साल से ये काम करके आ रही है। जब कभी भी हमारा कोई मसला आता है डट के खड़े रह के मुकाबला करके उसमें कामयाबी हासिल करती है। अभी 4.5 साल में नई रियासत बनी तेलंगाना की, नई हुकूमत है, तकरीबन 45 कामों को मंजूरी लिए अकबरुद्दीन अवैसी साहब असम्बली में चीफ मिनिस्टर से, जिसमें शादी मुबारक की स्कीम मंजिल शुरू करी, गरीब बच्चों को फ्री तालीम का इंतजाम जो हुकूमत करा रही है वो मंजिल के बोलने पे कराई। आज 57,000 लड़के लड़कियां तालीम हासिल कर रही, क्योंकि गरीब लोगों में तालीम का शौक़ है लेकिन पैसे न होने की वजह से तालीम नहीं करती। अब गरीब माँ बाप भी ये तय कर लिए हम बगैर तालीम के जो मुसीबत उठाए अपनी औलाद को उठाने नहीं देंगे। खून और पसीने की कमाई से माँ बाप तालीम दिला रहे बच्चों को, तो ऐसे माँ बाप को मैं मुबारकबाद देता हूँ। आज हुकूमत से फ्री स्कूलों का इंतजाम हुआ, कपड़ा किताबा ड्रेस खाना रहना सहना सब बच्चों के लिए फ्री हुकूमत से है। एक लड़के पे या एक लड़की पे 1,50,000 का खर्चा आ रहा है महाना, हुकूमत बर्दाश्त करिए, बच्चों को पढ़ाइए। पूरे तेलंगाना में कई 200 से ज़्यादा स्कूल खुले गरीबों के लिए और गरीब पढ़ रहे, ये मंजिल कायम कराइए, शादी मुबारक भी मंजिल शुरू कराई और हाउसिंग स्कीम के लिए भी हम मुतालबा करें। हमारे पास क्या है, ज़मीन नहीं होने की वजह से हमको कह रहे हैं कि गरीब के गाँव में जहाँ ज़मीन है गवर्नमेंट की वहाँ दिलाती, हम कोशिश कर रहे हैं वो हाउसिंग स्कीम में जब मंजूरी मिलेगी। फिर भी जबीपुरे में गवर्नमेंट लैंड थी सही हिसाब के बाड़े की, वहाँ पर हमने हाउसिंग का काम असद साहब की नुमाइंदे पे चल रहा है, थोड़े दिन में कम्प्लीट होगा। वहाँ के जितने लोग रहने वाले थे उन लोगों को अलाट भी कर दिए, तो ऐसी हम ज़मीन की तलाश में हाउसिंग का काम भी करेंगे। ये बेवाओं के वजीफों को बढ़ाने के लिए अकबर साहब असम्बली में आवाज़ उठाए, वो 200 रुपये था अब जाके 1,000 रुपये हो गया। ऐसे कई चीज़ें कराएं मल्ली सत्याज मुस्लिम काम करती है। हमारे जो मुखालिफा थे वो ना काम कुछ भी नहीं करे, एक मसला हल लेकर आए, मोहल्ले में एक लाइट का बल्ब जल गया तो उसको चेंज नहीं करा सकते हम। ये सब काम हम ही कराते हैं और 60 साल से करा रहे, इस वास्ते पब्लिक का हम पे भरोसा है। तो इसलिए आपसे गुजारिश है पोलिंग के दिन आप लोग अपने वोटों का इस्तेमाल करें, घर के तमाम वोटों का इस्तेमाल करें। हमारी पोलिंग में औरतों के वोटों की एक ज़बरदस्त ताकत मंजिल के साथ इब्तदा से है, हाल में भी है, आइंदा भी रहेगी।
आप लोगों की वोटों की ताकत होना और वोट डालना, उसके बाद मंदिर की कामयाबी के लिए दुआ कीजिए। दुआ के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता, कितने भी वोट डाल लो। आखिरी में हमको हाथ उठा के अल्लाह से बोलना पड़ता, जब तक आपने चाहे हमको कामयाबी नहीं मिलती। इसलिए अल्लाह से दुआ करें मजलिस की कामयाबी के लिए, नकीब मिलत हबीब मिलत की तराजी उमर सेहत आफियत के लिए, सबकी हिफाजत के लिए दुआ कीजिए। मजलिस चार मुस्लिम का निशान पतंग है, पतंग को ओक देके मजलिस उम्मीदवार को कामयाब कीजिए। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।